इंडियन में आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को Asus ROG Phone 2 का एक फुल रिव्यू यहां पर जो वो देने वाला हूं। और ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों इतना पावरफुल गेमिंग फोन है कि मैं आपसे यहां पर क्या बताऊं। ये जब इंडिया में लॉन्च हुआ था 23 सितंबर को इसने तहलका मचा दिया था। जो बेस वेरियंट है 8128 वो आपको मिलता है 37999। प्राइस आते ही वो सोर्सरी तो मची होगी वन प्लस में, लेकिन साथ में नाखून उंगली चबा दी होगी, अरे बाप रे ये कैसे हो गया, क्योंकि मैं खुद शॉक्ड हो गया था। एक और हायर वेरियंट है 12512 जो आपको मिलता है 60,000 का, लेकिन उसमें वैसे 30 वॉट का चार्जर एडाप्टिव कूलर भी बंडल दिया है, लेकिन जो बेस है दोस्तों वो किल कर दिया है। प्री बुकिंग भी अभी इसकी चल रही है और 8 अक्टूबर से लोगों को जिन्होंने प्री बुक किया था उनको देना शुरू करेंगे, बाद में भी होगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूज थे कि भाई ये Asus ROG Phone 2 लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं इसको पिछले 15 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूं, लॉन्च से पहले मेरे पास आया था, और क्या अच्छाइयां मुझे इसमें दिखी, क्या बुराइयां दिखी है, क्या ये फोन वर्थ परचेसिंग है नहीं है, फुल रिव्यू दोस्तों, लंबा होगा वीडियो, लेकिन आपको अगर सीरियस है तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन, इसके बिल्ड इन हैंड फील, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पहली चीज आप जब बॉक्स से फोन को बाहर निकालते हैं तो वही चीज हमारे आंखों के सामने होती है। ये आपको 240 ग्राम्स का मिलता है और 9.4 mm की थिकनेस पर मिलता है, काफी चौड़ा और काफी वजनदार आपको ये फोन मिलता है। कंसीडरिंग गेमिंग फोन है तो हम एक्सेप्ट तो कर ही रहे, लेकिन एक और चीज के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी दी गई है, इस हिसाब से आपको ये काफी चौड़ा मिलता है, तो हम थोड़ा सा गम खा सकते हैं कि कोई बात नहीं आलिस वेल। आपको ग्लास बैक मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 3 की आपको प्रोटेक्शन मिलती है, कर्व्ड एजेस है और फोन थोड़ा सा कर्व्ड भी है, जब आप गेम खेलते हैं तो जो ग्रिप मिलता है वो आपको बढ़िया मिलता है। और पीछे देखेंगे दोस्तों ये जो ROG का जो लोगो है इसमें आपको मल्टी कलर RGB लाइट्स भी दिया है, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, तो वो एक और अच्छा फील देता है गेमिंग के लिए जो मुझे काफी सही लगता है वैसे। एनीवेज दोस्तों यहां पर जो डिजाइन आपको मिलती है पीछे की तरफ वो बहुत ही कमाल की है, जो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। अब घूम के आते हैं दोस्तों यहां पर इसके डिस्प्ले पर। एक चीज मुझे यहां पर इस फोन की और भी अच्छी लगी थी और वो ये थी कि इसके डिस्प्ले, यार इतना फीचर पैकिंग है आपसे क्या बताओ। 6.59 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है, काफी टॉल है, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको फुल HD+ का रेजोल्यूशन मिलता है, AMOLED डिस्प्ले और साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में ये डिस्प्ले मिलता है। तो जो AMOLED और 120 हर्ट्ज ये जो कॉम्बिनेशन है ये पहला फोन है मार्केट में जो आपको इस तरीके के साथ में मिलता है। आप खुद उसको अपने हिसाब से सेटिंग्स पे जाके कम भी कर सकते हैं 90 से 120 हर्ट्ज और वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बाद जो एक्सपीरियंस है डिस्प्ले का, जो टच रिस्पॉन्स आपको मिलता है वो 1 मिलीसेकंड से भी कम है। तो जो UI जो इतना फ्लूइड है कि मैं आपसे क्या बताऊं, और गेम प्ले में तो आपको और भी ज्यादा मजेदार लगेगा। HDR10 वगैरह है, DCI-P3 कलर गैमेट है, और हां आप गेमर है कभी गुस्से में दीवार में पटक दिए फोन तो टेंशन नहीं लेने का, गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन भी उन्होंने प्रोवाइड करी है। तो फीचर पैक आपको डिस्प्ले मिलता है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। उसको और मजेदार करने के लिए आपको इसमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर मिलता है। फिलहाल के लिए अभी तक का सबसे एंड्रॉइड के मामले की बात करूं तो पावरफुल फ्लैगशिप प्रोसेसर है, 855 से भी ये 15% आपको बेटर मिलता है, 2.96 GHz के ऊपर है। और यहां पर दोस्तों गेमिंग पूछो मत, मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। एक और चीज है दोस्तों इसमें, दोस्तों जब आप गेम खेलते हैं तो उसको इंप्रूव करने के लिए उन्होंने और ऊपर एयर ट्रिगर वर्जन 2 दिया है, इसका मतलब अल्ट्रासोनिक सेंसर तो है लेकिन इसको और उन्होंने इंप्रूव किया है, हैप्टिक फीडबैक जो आपको इस बार मिलता है, तो जब आप L1 और R1 करते हैं तो थोड़ा सा और मजा देता है, वाइब्रेट होता है और अच्छा भी लगता है। तो कुछ इस तरीके की फीचर्स उन्होंने यहां पर ऐड किए जो आपको बहुत ही मजा आएगा। वैसे यहां पर दोस्तों ये जो फोन है ये खेलते-खेलते गर्म भी हो जाता है, जी हां, मतलब 40-42 मैक्स चला गया था जब मैंने एकदम ज्यादा इंटेंस गेम इसमें खेला था। कोई भी फोन धरती पर उठा लो, कितने भी फोन उठा लो, कोई ऐसा फोन नहीं है जो गर्म नहीं होता है, हर एक फोन गर्म होता है, आपको ध्यान रखना है, ये भी होता है। लेकिन इसमें एक चीज उन्होंने जो प्रोवाइड करी है वो आपको गेम कूल वर्जन 2 है। ये पीछे देखेंगे आपको वेंट्स मिलता है जो इन्होंने बहुत कूल डिजाइन दिया है, और इसमें दोस्तों आपको 3 अलग अलग तरीके की चीज मिलती है जिससे इस फोन को वो ठंडा करता है। सबसे पहले आपको मिलता है 3D वेपर चैम्बर, उसके बाद आपको मिलता है हीट स्प्रेडर्स, और तीसरा आपको कूलिंग पैड्स। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है जिससे दोस्तों जो हीट को ना वो बहुत इफेक्टिव तरीके से डिसिपेट करेगा, उससे ये आपके फोन को ठंडा रखता है। तो ये अगर 45 या 46 डिग्री तक पहुंचना होता है लेकिन ये उसको लेके आता है सीधा 40 तक, तो ये एक बहुत ही कूल चीज है जो आपको यहां पर इस फोन में देखने को मिलता है। तो गेमिंग के दौरान हीट का आपको यहां पर ज्यादा कोई प्रॉब्लम, ओवरहीटिंग जैसा इशू नहीं आएगा, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस यहां पर देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों आपको इसमें डेडिकेटेडली आर्मरी क्रिएट का एक ऐप दिया गया है जिससे आप जाके बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं, आप उसकी कूलिंग को, उसके अलावा आपको रियल टाइम जो वो FPS ये वो सब मॉनिटर कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप जाएंगे तो खुद भूल जाएंगे कि मैं क्या कर रहा था और मैं किधर पहुंच गया, जी हां, इतने सारे फीचर्स आपको उस ऐप पे मिलते हैं, तो आपके गेमिंग को और भी ज्यादा वो इंप्रूव करेगा। वैसे एक और चीज है दोस्तों, अगर आप उसका एरोएक्टिव कूलर जो वो ले लेते हैं, वो भी वर्जन 2 वाला है, तो उसमें आपको 3 चीज मिलती है, फैन भी उसमें लगाने के बाद आपको मिलेगा, एक स्पेशल पोर्ट उन्होंने यहां पर इस तरफ दिया है तो USB से आप उसको चार्ज भी कर सकते हैं, और 3.5 जगह लगा के अगर आप ऐसे खेलते हैं तो वो आपको और भी इंप्रूव्ड एक्सपीरियंस देगा। तो ये सारी चीजें मिलती है जो उन्होंने गेम के रिगार्डिंग दिया इस फोन में, जो बहुत ही कूल है। वैसे दोस्तों यहां पर बैटरी जैसे मैंने आपसे कहा 6000 mAh की मिलती है, तो आराम से आपको 1.5 से 2 दिन चलता है, लेकिन अगर आप गेम खेलते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खेलते हैं, कितने हद पार करते हैं, तो ये आप पे ही मैं छोड़ता हूं, क्योंकि बैटरी की चीज जो वो डिपेंड
डिपेंड करती है कि हम उसके साथ क्या करते हैं, तो ही मैं आपके फेयर ओपिनियन उसके ऊपर दे सकता हूं। लेकिन 6000 है बोलने को ही काफी है, आपको पता ही चल जाएगा कि कितना खतरनाक आपको बैकअप मिलेगा। उसके अलावा यहां पर दोस्तों आपको पीछे 48+13 मेगापिक्सल का डुअल रिफ्रेशिंग कैमरा सोनी IMX586 सेंसर दिया है। गेमिंग फोन इसका मतलब ये नहीं कि कैमरे पे काम नहीं किया, कैमरे पे भी काम किया है। ये वही सेम कैमरा है जो ASUS 6G में था, वो तो फ्लिप होता है लेकिन ये फ्लिप नहीं होता है, बाकी सब कुछ सेम है। 4K वीडियो शूट कर सकते हैं इसमें, वीडियो में मोशन ट्रैकिंग मिलता है, 480fps पे स्लो मोशन वीडियो निकाल सकते हैं, फुल एचडी में आपको EIS मिलता है वगैरह वगैरह। तो रियर कैमरा कमाल का है, पिक्चर्स भी बहुत ही कमाल की निकल कर आई थी। सेल्फी की बात करें तो आपको यहां पर 24 मेगापिक्सल की सेल्फी उन्होंने प्रोवाइड करी है, तो सेल्फी भी अच्छी निकाल सकते हैं, सेल्फी भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलती है, उस मामले भी आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको इस फोन में मिलते हैं, इसमें आपको क्वाड माइक्रोफोन्स मिलते हैं। ऊपर की तरफ आपको एक मिलता है, राइट में एक मिलता है, नीचे आपको दो मिलते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया आपको यहां पर नॉइस कैंसिलेशन जो वो देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको जो एंटीना बैंड्स है वो भी चार आप देखेंगे ऊपर और नीचे की तरफ मिलते हैं, तो बहुत ही कमाल की आपको नेटवर्क क्वालिटी यहां पर मिलेगी। प्लस यहां पर इसमें आपको डेडिकेटेड माइक्रोचिप का स्लॉट नहीं मिलता है, तो बेस है वो 128 से शुरू होता है, मुझे लगता नहीं वो ज्यादा कोई इशू करेगा आपके लिए। और हां साथ में यहां पर आपको इसमें डुअल फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं ऊपर और नीचे, तो ऑब्वियसली DTS सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस आपको देगा। जब आप गेम खेलते हैं तो आप देखेंगे हाथ ऐसे रखते हैं तो हां मुंह खुला है, ऐसा नहीं कि मुंह ढक जाएगा। वैसे ईयरफोन्स भी काफी अच्छा लगा लो खेलो आपके पास जो है, तो आपको बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस यहां पर मिलेगा। इसमें आपको ऑब्वियसली वाइड बैंड L1 मिलता है, कैमरा 2 MP गूगल कैमरा से खेलना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और हां सबसे बड़ी चीज ये दोस्तों कि गेमिंग फोन है और ऑब्वियसली आपको गेम भी खेलना है साथ में दूसरे मल्टीटास्किंग भी करना है, तो UFS 3 का स्टोरेज का सपोर्ट है और LPDDR4X वाले आपको रैम भी मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कम फोन है मार्केट में जो इस तरीके के स्टोरेज सपोर्ट के साथ में आते हैं, उनमें से ASUS का ROG फोन 2 है। वैसे कोई IP रेटिंग्स उन्होंने यहां पर नहीं दिए, पता नहीं दे देना चाहिए था लेकिन मुझे ऑफिशियली नहीं पता, लेकिन उन्होंने कोई IP रेटिंग्स की यहां पर जो वो बात नहीं करी है। वैसे उसके अलावा इसकी जो सार वैल्यू वो थोड़ी सी ज्यादा है, ज्यादा नहीं है मतलब थोड़ी सी ज्यादा है, हेड और बॉडी के आप देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके की आपको सार वैल्यू यहां पर मिल जाती है, बस आपका काम यहां पर चल जाता है। उसके अलावा वैसे आपको यहां पर डुअल बैंड GPS का सपोर्ट मिलता है, NFC मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5 और वाईफाई 6 वगैरह 2.4 5 GHz दोनों बैंड आपको यहां पर देखने को मिलता है, ये सारी चीजें उन्होंने प्रोवाइड करी। एडिशनली जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साथ में यहां पर दोस्तों आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, तो ऑब्वियसली गेमिंग फोन है तो ज्यादा UI में हैवीनेस नहीं होनी चाहिए, उन्होंने एकदम खाली एकदम स्टॉक रखा है, फ्लूट रखा है, तो आपको एंड्रॉइड 10 पावर द बॉक्स मिलता है और उसमें कुछ अपडेट भी आया था तो मैंने अपडेट किया तो थोड़ा सा उन्होंने इंप्रूवमेंट की होगी, तो कुछ इस तरीके का आपको इसका UI देखने को मिलता है। साथ में वैसे एक और चीज इसमें जो सिक्योरिटी से रिगार्डिंग बात करूं तो आपको AMOLED है, तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है जो आपको मैं यहां पर भी टेस्ट करके बता रहा हूं, देखेंगे तो अच्छा खासा आपको मिल जाता है और आपको फेस अनलॉक भी मिलता है, तो उसका भी आप यहां पर फायदा उठा सकते हैं। साथ में फाइनली दोस्तों आपको इसमें LED नोटिफिकेशन लाइट भी मिलती है ऊपर की तरफ, कैमरे के बराबर इधर लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ LED नोटिफिकेशन लाइट भी दिया, तो आप चार्ज करो फिर नॉर्मली को नोटिफिकेशन आता है, मल्टी कलर है तो उसमें भी आपका काम यहां पर बन जाएगा। अब जाते जाते दोस्तों मैं एक चीज बता देता हूं, मुझे दोस्तों ऑनेस्टली कहता हूं जिस प्राइस पर यह फोन आया इससे बेटर फोन उस प्राइस पर और कोई फोन नजर नहीं आ रहा। वैसे आपको अगर नजर आता तो आप मुझे बता देना, क्योंकि इससे बेटर फीचर्स आपको दूसरी कंपनी नहीं दे रही है, ये फेयर और ऑनेस्टली मैं कहता हूं। जब कोई कंपनी अच्छा काम करती है, अच्छी प्राइस पर ऐसा फोन देती है, ताकत रखती है, तो मैं दिल खोल के सपोर्ट करता हूं, फिर मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता है। मुझे लगता है 38,000 रुपीज में इतने सारे फीचर्स, लेटेस्ट प्रोसेसर, इतना कमाल का डिस्प्ले, 120Hz वाला है, एयर ट्रिगर्स दे दिया है, दो दो पोर्ट्स दिया है USB के, कैमरा भी कमाल का है, वी 3D चैम्बर कूलिंग दे दिया है, क्या नहीं दिया है दोस्तों, बहुत सारे फीचर्स है जो मेरे ख्याल से ये बेस्ट फोन है। मैं रेकमेंड करता हूं एज अ टेकी आपको कि इस प्राइस पर इससे बेटर आप इधर उधर मत देखना, ये फोन ले लेना, जो आपको कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी। वैसे कैसा लगा दोस्तों आपको ये फोन वो आप मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो पसंद है दोस्तों तो लाइक करना, फुल रिव्यू ऐसे लेंथी होते ताकि आपको और डिटेल में पता चले कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था इस फोन से जो मैं इतने दिन से इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
Yeah.